फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आया था नाबू। आज में मेरा जो विलेज है जहाँ पे मैं पले बड़ा हुआ उसका एक नॉर्मल व्यूज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, किस तरह का विलेज है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है और नहीं। तो ये विलेज में नॉर्मली ये हाउस का आप देखो, इस तरह का हाउस होता है जो नॉर्मल बांग्लादेश में हाउस होता है टीन का। तो अभी भी मेरा गाँव में इस तरह का ही है, पक्का मकान भी है बट इस तरह का जो हाउस है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखो जो सब्जी वगैरह है लोग घर में ही फैलाते हैं, इसके लिए कोई उसको शॉप पे जाने का जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ये लौकी का पेड़ है, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लौकी भी हुआ है, इसका पत्ता भी है, ये आप इन लोग घर से ही लेके खाते हैं, तो एकदम प्योर जो वेजिटेबल है वो खाते हैं। ये देखो इसको खौर कहते हैं, ये जो धान होता है जो राइस का होता है उसका जो ट्रीज होता है ना उसको यहाँ पर इन लोग स्टोर करके रखते हैं, बाद में जो घर में गाय भैंस है वो इसको खाते हैं, तो फिर इनका दूध इन लोग पीते हैं। तो इस तरह का एक स्मॉल बिजनेस बोल सकते हो, जो दूध है लोग बेचता भी है और ख़ुद के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रक भी जा रहा है, ये मेरा गांव में एक नया रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसमें इस तरह का पानी देके उन लोग रोड को भिगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो नॉर्मल खेत का ज़मीन है, उसके साथ साथ काफ़ी सारा पॉन्ड भी है जहाँ पर लोग फिश का बिजनेस करते हैं, यहाँ पे फिश स्टोर करते बड़ा करते फिर उसको बाहर बेचते हैं। देखो चारों तरफ से ज़मीन धान का खेत है और मैक्सिमम पॉन्ड भी है यहाँ पे। जो नॉर्मल लड़का लोग होता है वो देखो इस तरह का गेम खेलता है, यहाँ पे इन लोग फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है बट नॉर्मल जो ग्राउंड है उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ बंदा यहाँ पे देखो कैरम खेल रहे हैं, चलो इनसे बात करते हैं। तो देखो इन लोग इवनिंग में टाइम कटाने के लिए इस तरह कैरम बोर्ड खेल रहे हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं अभी। तो भाई ये गेम क्या, ऐसी नॉर्मल खेल रहे हो या फिर कोई पैसे देकर खेल रहे हो? पैसे से खेल रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो इसमें कुछ फायदा होता है या टाइम पास सिर्फ? पैसे फायदा हो रहा है। ओके, तो आपको क्या लगता है इस टाइम अगर आप नॉर्मल काम में बिताओगे तो ज्यादा पैसा आएगा इसमें आएगा? टाइम पास के लिए खेल रहा हूं। अरे टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, चलो। तो इन लोग टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, कोई इनकम वो नहीं है, बस एक शौक के लिए कि नॉर्मल पैसा रहेगा तो खेल में एक जुनून रहता है, तो इन लोग ये खेलता है इसमें। और इन लोग को देखो कोई बड़ा ग्राउंड इनके पास नहीं है तो इसे छोटा स्मॉल ग्राउंड में यहाँ पे खेल रहे हैं। तो क्या आप लोग के पास ग्राउंड नहीं है क्या यहाँ पे खेल रहे हो? कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है? अच्छा, लेकिन यह ज़्यादा बड़ा है नहीं, अगर गोल मारोगे तो इधर तो निकल जाएगा, तो कैसे खेलते हो? अच्छा, तो मतलब शौक से खेल रहे हो, कोई मतलब टूर्नामेंट आगे है ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, उसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हो पहले से? ओके ठीक है, तो इन लोग मतलब नॉर्मल आगे कोई टूर्नामेंट आएगा उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कि प्रॉपर एक इनके पास पहले से एक टीम फाउंड रहे। का मौसम में जो धान का खेत होता है तो अभी बारिश नहीं होता है तो पानी वगैरह ज़्यादा होता नहीं है अभी, तो इन लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर देख सकते हो, अभी इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, ये वायर से इन लोग घर से करंट लेके और ये पम्प सेट चला के इस तरह का लोग यहाँ पे अपना जो फसल है वो फैलाते हैं। और लोग कपड़ा सुखाने के लिए ये जो सारे पॉन्ड वगैरह है इसका ऊपर ये देखो ये इस तरह का बांस का बना हुआ है और इसमें सुखाते हैं। और इसमें जो बंदा थोड़ा ज़्यादा मतलब सोचता है फ्यूचर के बारे में, उसका ज़मीन प्रॉपर रहे तो इस तरह का ज़मीन को वो इस तरह का लोहे का जो तार है उससे घेर के रखा है और इसमें लोग अंदर ट्रीज़ वगैरह भी लगाया जो इसका फ्यूचर प्रॉपर रहे इसका ट्रीज़ का। तो ये जो नया पॉन्ड है ये पहले नहीं था, तो नॉर्मल जो खेत का ज़मीन है उसको इन लोग काट के इसको पॉन्ड बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कितना बड़ा साइज़ है और किस तरह का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये नॉर्मल ज़मीन था, अभी इसको इन लोग इसको मिट्टी यहाँ से उतर के इसमें अभी नया बड़ा पॉन्ड बना दिया और इसमें प्रॉपर फिश का इन लोग बिजनेस भी करते हैं और काफ़ी इनकम है। देख सकते हो लोग यहाँ पे अपना फसल जो है वो लगा रहे हैं और जो बच्चे लोग यहाँ पे खेलता भी है, तो बच्चे लोग यहाँ पे नॉर्मल जो लड़की लोग है वो दौड़ दौड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे, जो छोटा लड़का खेल रहा है, जो बड़ा लड़का है वो यहाँ से फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं कोई, तो यही हमें देखो मोबाइल टावर भी दिख रहा है आपको, दो दो बड़ा टावर है मोबाइल का, क्योंकि ये गांव है यहाँ पे आर टी टी नहीं होता है, नॉर्मल जीपीटी जो ग्राउंड बेस्ड टावर वही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर ऑपरेटर का टावर मेरा गांव में है, दो तीन यहाँ पे, ये भारती का है, इस सामने वाला जियो का है और पीछे ये वोडाफोन का ही है। यहाँ पे सारे नेटवर्क अवेलेबल है पूरा गाँव में, हर ऑपरेटर का यहाँ पे 4G ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं नॉर्मली बाइक बहुत कम होता है, बंदे लोग साइकिल लेके घूमते हैं, ऐसे यहाँ पे देखो ये बच्चा साइकिल लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड हुआ है आज ही, ये पहली इतना काम हो रहा है इसमें, और मॉर्निंग से जो पानी वो चल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे गाड़ी आ रहा है तो ये कंटिन्यू पानी यहाँ पे फ्लो दे रहे हैं वाटर का।
कि जो रोड है वो कंस्ट्रक्टेड रहे, और किसी का ज़मीन पड़ा है जो फार्मिंग नहीं कर रहे, वो नॉर्मल ट्रीज वगैरह लगा के रखा है इसमें, और जो नॉर्मल गांव है इसमें देखो इन लोग इस तरह का दुकान लगा के रखा है। ये देखो पानी गिर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो गांव में नॉर्मल घर होता है उसमें लोग स्मॉल शॉप भी लगाते हैं इसमें, तो ये शॉप में आपका जो डेली नीडी चीज़ है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वो नॉर्मल एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या नॉर्मल गांव का दुकान है। यहाँ पे देखो नॉर्मल जो मसाला वगैरह होता है स्पाइसेस सारे यहाँ पे है, जो बच्चों का नॉर्मल खाना है यहाँ पे, स्मॉल जो कॉस्मेटिक ज्वेलरीज टाइप का होता है जो इमिटेशन का होता है वो है यहाँ पे, और ये पोटैटो आदा लहसुन ये सारे चीज़ ऑलमोस्ट है, मतलब घर का जो नीडी चीज़ है वो हर चीज़ आपका अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो आपको मेन मार्केट जाने का जरूरत नहीं, अगर बड़ा सामान चाहिए ज़्यादा अमाउंट का तो उस केस में आप जा सकते हो। और यहाँ पे देखो एक शाम में यहाँ पे एक उन लोग सीट जैसे बना के रखा है, वो शाम में बंदा लोग यहाँ पे गर्मी के टाइम बैठता है तो काफ़ी हवा आता है इसमें। और ये इलेक्ट्रिसिटी का खूटी है, अभी भी इस तरह का ओवर इलेक्ट्रिसिटी है गांव में, अभी तक जो अंडरलेइंग है वो हुआ नहीं, तो इस तरह का इलेक्ट्रिक पोल है यहाँ पे। पक्का मकान भी अभी बहुत बंदा का हो गया, आप देख सकते हो तो इस तरह का पक्का मकान है। छत बहुत कम मिलेगा आपको इधर, बट नॉर्मल जो जो ईंट का मकान है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सारे मकान ऑलमोस्ट ऐसे ही है, और इसमें कुछ कुछ अच्छा मकान भी है, जैसे ये वाला सामने वाला मकान है, तो ये लोग प्रॉपर डिज़ाइन के साथ बनाया। तो इस तरह का तो हाउस में जिसका फोर व्हीलर वगैरह है वो इनका इस तरह का गैरेज जैसा बना के रखा है जिसमें वो फोर व्हीलर रखता है। इस तरह का घर में स्पेस तो है ही, बट वो नॉर्मल फोर व्हीलर कम होता है यहाँ पे, तो जिसका बंदा की वो इस तरह का रख दिया इसमें। और यहाँ पे देखो हर घर का व्यू इस तरह का ही होता है, ये मेन एक रोड होता है स्मॉल सा, तो इसमें एक सब रोड होता है, फिर ये घर जाने का एंट्री होता है। यहाँ पे बाइक भी चलता है, ऐसे नहीं साइकिल से, बाइक है, बाइक का क्वांटिटी कम है बट बाइक है इधर। जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी जो विंटर सीजन है अभी पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इन लोग इस तरह का जो पंप सेट है उससे उसका यूज़ करके इन लोग पानी देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक नॉर्मल सब मीटर लगा है इन्होंने, बाहरी सब मीटर में रोड में है, तो इस तरह का लाइन लेके यहाँ पे इनका पंप सेट रहता है जो छोटा पंप सेट होता है। तो देखो यहाँ पे पंप सेट है, बच्चे लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पे, और इसमें जो मशीन है वो अभी घर पे लगा के रख दिया इन्होंने, बस देखो कनेक्शन ऊपर से नीचे तक कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे स्मॉल मोटर लगाते हैं और इधर से पानी पास होके ये सीधा जाता है। ये देखो पाइप दिख रहा है आपको, सीधा पाइप वहाँ तक पहुँचा। तो यही गांव का नॉर्मल लाइफ है, घर दिखाया मैंने आपको इधर कैसा घर है, यही अभी सब बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो नॉर्मल ज़मीन है उसमें क्या क्या फसल हो रहा है। मेरा उधर ज़्यादा फसल में सिर्फ धान ही होता है और गेहूँ वगैरह ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये उतना हाइट वाला ज़मीन नहीं है, ये नॉर्मल जो बारिश का टाइम काफ़ी बारिश होगा तो ये डूब जाता है, तो उसमें ये फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ धान ही इनको फैलाते हैं। ये देखो लौकी यहाँ पे कैसे हुआ, कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, एकदम फ्रेश गांव का लौकी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये एकदम प्रॉपर हेल्दी वेजिटेबल है। तो गाँव में अभी केबल कनेक्शन प्रॉपर आया नहीं, बट आसपास में ही है, बट लोग केबल यहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी भी सब वही डिश टी वी एयरटेल वही सब प्रेफर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं गांव एक घर दिखा रहा हूँ जिसमें देखो इन लोग ये इस तरह का डिश टीवी, ये कौन सा ब्रांड का है, एयरटेल का है, तो ये एयरटेल का इन्होंने लगाया, देखो इस तरह का लगाया। तो ये ओवरव्यू नॉर्मली आप देख लिया गांव का। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, जो ये बेर होता है इसको पार के इन लोग ये स्मॉल स्मॉल पैकेट बना के बेच रहे। तो यहाँ पर देखो दो बच्चा बैठा हुआ है और ये स्मॉल स्मॉल पैकेट बनाया वो बेर बेचने के लिए। चलो इनसे बात करते हैं, वो क्या है ये बड़ा ही है क्या, कितना प्राइस एक करके, एक पैकेट का कितना प्राइस है, पाँच पैसा है रुपया, पाँच रुपया, और बड़ा ही टेस्टी है ये, सब ऐसे खट्टा है, टेस्टी है ना, ठीक है अभी नहीं लेते बाद में आके लेंगे। तो देखो ये गांव में आया और ये सारे बच्चा इनसे सवाल पूछता है, इनको कैसा लगता है यहाँ पे रहने के लिए, इनसे बांग्ला में ही पूछता है, तुम्हारे कैम लगे कर सकते अपने एखे की आछे तो दोकान जो भल लगे पढ़ाशनर जो भल लगे ना स्कूल आखने तुम्हारे स्कूल कथाय अति कथाय प्राइमरि स्कूल तब तुम्हारे एखे सभा बाड़ी कारेंट आ कारेंट दिए कि करो सारा दिन मोबाइल चार्ज कर मोबाइल देखो ना पढ़ाशुने करो ओ अच्छा तो बड़ो है तुम्हें कि होते चाओ
ठीक है गाइस, तो ये नॉर्मल एक व्यूज़ है गांव का, मेरा गांव का जहाँ पे मैं छोटा से बड़ा हुआ। तो इसका जो व्यूज़ है वो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ, और मेरा वीडियो को लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, और अपना चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट इस तरह का न्यू वीडियो जो है, जो मैं कहीं पर जाता हूँ वहाँ का जो भी लाइफ स्टाइल है या फिर कुछ भी नया चीज़ है उसका मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। ओके, बाय फ्रेंड्स।